आज का टॉप डिफेंस अपडेट, डियाडो का एडीई स्वदेशी रूप से विकसित निर्भया सब सोनिक क्रूज मिसाइल के नए डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए तैयारी कर रहा है। ये टेस्टिंग अगले कुछ हफ्तों के भीतर होने की उम्मीद है और मिसाइल के प्रदर्शन को विभिन्न पैरामीटर्स और वे पॉइंट्स नेविगेशन स्थितियों के तहत टेस्टिंग किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स को 12 नए सुखोई 30 मार्क आई फाइटर जेट की खरीद के प्लान से उसके युद्ध क्षमताओं में बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। यह कदम पिछले हादसों में क्रैश हुए एयरक्राफ्ट की जगह को फुलफिल करेगी और अनुमान है कि इन यूनिट्स को HAL के नासिक फैसिलिटी में बनाया जाएगा। बायलेटरल डिफेंस कॉरपोरेशन को मजबूत करने की दिशा में डिफेंस टेक एंड ट्रेड इनिशिएटिव के दायरे में इंडो यूएस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 29 से 30 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई, जहां दोनों देशों के बीच डिफेंस कोलैबोरेशन और को प्रोडक्शन एफर्ट्स पर चर्चा की गई। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम को 1 मई को सुबह 8 बजे ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया, ताकि इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी को लाइट वेट टॉर्पीडो से बढ़ा सके। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति छोटे देशों के लिए चुनौती बन जाती है और इसका मुकाबला करने के लिए अक्सर महंगे बेड़े की आवश्यकता होती है, जो सभी देशों के लिए संभव नहीं है। यहीं पर भारत की हाल ही में टेस्ट की गई स्मार्ट सिस्टम चीन के खिलाफ गेम चेंजर के रूप में उभरती है। भारत फोर्ज के अध्यक्ष बाबा कल्याणी के अनुसार इंडियन आर्मी को खुद को पूरी तरह से 155mm 52 कैलिबर टाउट आर्टिलरी गन से लैस करने की योजना है। आर्मी को कुल मिलाकर लगभग 4000 गन की आवश्यकता होगी और यह 2040 से 45 तक पूरा होने की उम्मीद है। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले बैच की सफल डिलीवरी के बाद डियाडो फिलीपींस आर्मी से और भी बड़े ऑर्डर पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है। फिलीपींस आर्मी कथित तौर पर ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्वासिशन के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रोसेस में है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट INS ब्यास का मिड लाइफ अपग्रेड शुरू किया है। INS ब्यास को उसके BHEL स्टीम बॉयलर की जगह 6MW कैटरपिलर मरीन डीजल इंजन लगाया जाएगा। इससे जहाज की लाइफ 20 साल बढ़ जाएगी। टर्की नेवी की TCG किनाल याडा जापान की यात्रा पर कल मालदीव पहुंचा, साथ ही पाकिस्तान मालदीव और बांग्लादेश की मदद से बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में प्रवेश करने की योजना बना रही है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।